हेलो दोस्तों, हमारे कॉनकॉर्ड फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीम के बारे में। भारत में लगभग 4000 वर्षों से नीम का प्रयोग किया जा रहा है। नीम को औषधीय जड़ी बूटी के रूप में भी माना जाता है। नीम के पेड़ के सभी हिस्सों के विभिन्न तरीकों से लाभकारी होते हैं। यहाँ तक कि नीम को संस्कृत में अरिष्टा कहा जाता है, जिसका अर्थ बीमारी से राहत पाना है। नीम का पेड़ पत्तेदार होता है और से 75 फीट की लंबाई तक बढ़ सकता है। आमतौर पर नीम को पेड़ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर आपके घर के सामने नीम का पेड़ है तो आप वाकई बहुत भाग्यशाली है। गर्मी में ठंडी हवा देने के साथ ही एक ऐसा पेड़ है जिसका हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी के इलाज में कारगर है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम के फायदे के बारे में, लेकिन उसके पहले आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीम का पहला फायदा, अगर आप खाना बनाते वक्त या किसी दूसरे कारण से अपना हाथ जला बैठी है तो तुरंत उस जगह पर नीम की पत्तियों को पीसकर लगा ले। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण घाव को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। दूसरा, अगर आपके कान में दर्द रहता है तो नीम का तेल इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद रहेगा। कई लोगों में कान बहने की भी बीमारी होती है, ऐसे लोगों के लिए भी नीम का तेल एक कारगर उपाय है। तीसरा, कुछ वक्त पहले तक नीम की दातुन ब्रश की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय थी। एक और जहां दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए हम तरह तरह के महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वही नीम की दातुन अपने आप में पर्याप्त होती है। नीम की दातुन पायरिया की रोकथाम में भी कारगर होती है। नीम एक बहुत अच्छा कंडीशनर है। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसके पानी से बाल धोने से रुचि और फंगस जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। जख्मों पर लगाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि खून साफ न होने की वजह से समय समय पर फोड़े हो जाते हैं। ऐसे में नीम की पत्ती को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से फायदा होगा। साथ ही इसके पानी से चेहरा साफ करने पर मुहांसे नहीं होते हैं और इसी के साथ नीम की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका गर्मियों के मौसम में उपयोग करना काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। सर्दियों के मौसम में भी नीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कम मात्रा में ही इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, यह हमने देखा नीम के बारे में। ऐसे ही आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल कॉनकॉर्ड फार्मा।